दोस्तों, किसी भी कंपनी के लाइबिलिटीज मेनली दो तरह के होते हैं। एक को हम करेंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं और दूसरे को हम नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। करेंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हम उन लाइबिलिटीज को बोलते हैं जिन्हें हमें एक साल के अंदर चुकाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स पेबल, यानी कि कंपनी जिनसे उधार का सामान ले रखा है उन्हें जो पैसा देना है। शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि ऐसे लोन्स जिन्हें कंपनी को एक साल के अंदर चुकाना होता है। प्रोविजन, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जिनके अमाउंट तो अभी फिक्स नहीं है पर उन्हें भी एक साल के अंदर चुकाना होता है, जैसे कि इनकम टैक्स। वही नॉन करेंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो होती है जिन्हें कंपनी को एक साल के अंदर नहीं चुकाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि लंबे समय के लिए लिया गया बैंक से लोन। बॉन्ड्स, यानी कि पब्लिक से लिया गया लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स। पेंशन लाइबिलिटीज, यानी कंपनीज के अपने रिटायर्ड पर्सन को देने वाले पैसे।